और साथ ही बड़े भाई रोहित चौहान जी भी आ गए यहाँ पे। वेतन मंडली से मेरा विशेष अनुरोध है उसके बाद। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग गाइस, और इस ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है ग्रेटर नोएडा से। ये देखिए दोस्तों, और आज है माँ धारी देवी डोली यात्रा का 10वां दिन। तो 10वें दिन में भी आप सभी का फिर से स्वागत है, और जिसने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो वो ब्लॉग भी देख लीजिए। और आज का जो प्रोग्राम होने वाला है तो वो प्रोग्राम पूरा ग्रेटर नोएडा में होने वाला है, तो आगे जो भी प्रोग्राम होता है आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे, और इस साइड अभी पूजा चल रही है, तो थोड़ा बहुत चलते हैं अंदर और दिखाते हैं सुबह की माँ धारी देवी की पूजा। तेरी आरती गाऊं माँ, तुझे शीश नवाऊं माँ, तेरे चरणों में आके माँ बलि बलि जाऊं माँ। तो अभी माँ धारी देवी की डोली पहुंच चुकी है ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर में जो प्रोग्राम है तो वो होने वाला है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी लोग माँ धारी देवी का स्वागत कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आरती वगैरह हो चुकी है और खाना वाना हमने खा लिया है, और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे मंडार लगने वाला है, तो अभी हम मिलते हैं आपसे सीधे मंडार पे। Thank you.
तो दोस्तों अभी माँ धारी देवी की डोली निकल चुकी है यहाँ से, और अब यहाँ से जाएगी माँ धारी देवी की डोली अगले पड़ाव में, जो कि यहाँ से अब हमारा रास्ता है अगले पड़ाव का 1.5 घंटे का। तो अभी यहाँ से निकल चुकी है डोली, और अब डोली को यहाँ से जाने में लगेंगे 1.5 घंटे। तो मिलते हैं आपसे फिर। माँ धारी देवी की डोली पहुँच चुकी है इंदिरापुरम में, ये देखे दोस्तों सामने पे, और सभी लोग आ चुके हैं माता का स्वागत करने के लिए, और साथ ही बड़े भाई रोहित चौहान जी भी आ रहे हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। देखिए दोस्तों अभी डोली पहुंच चुकी है यहाँ पे। भगवती आज आपके सम्मुख आपको दर्शन देने आई है, और मैं सभी भक्तजनों से ये कहना चाहूंगा कि माँ भगवती के दर्शन करके कार्यक्रम तरफ से आज माँ भगवती का गुणगान और जागर किया जाएगा। सभी कीर्तन मंडली से मेरा विशेष अनुरोध है, उसके बाद 7 बजे के बाद माँ भगवती की डोली मानसरोवर भवन संतखंड को प्रस्थान करेगी, और आज दिव्य दर्शन भव्य दर्शन तत्पश्चात वही देखने को मिली। तो अभी सभी लोगों का सम्मान हो चुका है यहाँ पे, और अभी मंडान भी लग चुका है, और अभी माँ धारी देवी की डोली यहाँ से निकल रही है, ये देखिए दोस्तों। और अब यहाँ से आइए अपने अगले पड़ाव में।
दोस्तों रात के 12:30 बज चुके हैं और अभी हम सभी लोग सोने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा रात्रि जो विश्राम था वो था कैलाश मानसरोवर के जो आश्रम है वहाँ पे। तो 12:30 बजने वाले हैं और सभी भाई लोग अभी सोने जा रहे हैं, ये है हमारे भाई जी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।